वेडिंग सीजन आ रहा है बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के प्रोडक्ट देख रहे होंगे उनको इस वीडियो से काफी हेल्प मिल जाएगी तो सबसे पहले मैंने देखा कि अगारों ने अभी नया क्या क्या लॉन्च किया है जिसमें मैंने देखे दो प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे एक तो ये हेयर ड्रायर जिसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगी एंड एक प्रोडक्ट और है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है लेकिन उसका रिव्यू दस या पंद्रह दिन बाद आएगा आज हम बात करेंगे हेयर ड्रायर के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इस हेयर ड्रायर के बारे में सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो यू और राइट गाइज तो जिस हेयर ड्रायर के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है अगारो हेयर ड्रायर मॉडल नंबर है एच डी थ्री टू फोर जीरो जिसका ओरिजिनल प्राइस है एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ लेकिन ये आपको अमेजोन पर छः हज़ार से लेके सा सात हज़ार के बीच में आराम से मिल जाएगा इस पर हमेशा अच्छा खासा डिस्काउंट चलता रहता है जिसमें आपको मिल जाएगी टू ईयर्स की वारंटी एंड कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको ये रिसीव होगा और अब हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग एंड बात करेंगे इसके जो भी फीचर्स हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और इसको यूज करके भी देखेंगे <laughs> ओके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा पसंद आई बहुत ही स्टडी सा बॉक्स है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांस नहीं है जैसे ही बॉक्स को ओपन करेंगे आपको मिल जाता है मैनुअल जिसमें इस हेयर ड्रायर के बारे में सारी चीजें डिटेल में है पाउच को ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा वारंटी कार्ड क्योंकि इस हेयर ड्रायर की दो साल की वारंटी है प्लस एक टाइनी सा ब्रश जिससे आप इस हेयर ड्रायर को क्लीन कर सकते हैं उसके बाद आपको मिलेगा डिफ्यूजर अगर आपके बाल कर्ली हैं और इस डिफ्यूजर के साथ आप उनको ड्राई करेंगे तो आपके कर्ल्स खराब नहीं होंगे और आपके कर्ल्स काफी ज्यादा मैनेजेबल रहेंगे ठीक है एंड दूसरा जो अटैचमेंट है वो है ये कॉन्सनट्रेशन नोजल अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेयर स्टाइल चाहिए तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं उसके बाद जैसे ही मैंने हेयर ड्रायर को निकाला आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे से साइज में है लंबी सी कॉर्ड मिल जाती है तो अगर आपका एक्सटेंशन बोर्ड आपके ड्रेसिंग टेबल से थोड़ा दूर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको एक्सटेंशन बोर्ड से चिपक के आपके बालों को ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद जैसे मैंने प्लास्टिक का रैप हटाया आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा छोटो सा कॉम्पैक्ट सा ये हेयर ड्रायर है, है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली लगा किसी भी बैग में ये आराम से आ जाएगा ठीक है इसमें आपको मिल जाता है एल डिस्प्ले जहाँ पर टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिखेगा प्लस इसमें आपको मिलेगी थ्री स्पीड एंड फोर टेम्परेचर सेटिंग तीन बटन है एक पावर बटन है एक कूल शॉट बटन है है और एक टेम्परेचर की बटन है उसके बाद आपको इसमें मिल जाएगी आयोनिक टेक्नोलॉजी जिससे आपके बाल जो हैं वो फ्रीजी नहीं होंगे उनकी शाइन मेंटेन रहेगी एंड बाल काफी ज्यादा मैनेजेबल रहेंगे ठीक है प्लस इसमें ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन भी है तो ओवर हीट से आपके बालों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली एंड मैग्नेट अटैचमेंट है आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना जस्ट आप उसके पास लेके जाएंगे और ये अटैच हो जाएगा ठीक है और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बालों को ड्राई करके तो थोड़े से पानी निकल गए हैं मेरे बालों में और उसके बाद मैंने अप्लाई किया है सेरम एंड अगर आप सेरम अप्लाई करते हैं तो आपके बालों में शाइन ऐड हो जाती है और आपके बाल जो हैं वो हीट वगैरह से डैमेज भी नहीं होते और और अभी मैं थोड़ा सा इसका आपको साउंड सुना देती हूं तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें थ्री स्पीड है एंड फोर टेम्परेचर सेटिंग है मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको सेट करके रख सकते हैं ठीक है आयोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में अगर जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस हेयर ड्रायर में आयोनिक टेक्नोलॉजी होती है उससे ड्राई करने के बाद आपके बाल जो हैं वो फ्रीजी नहीं होंगे एंड उनकी शाइन जो है वो मेनटेन रहती है ड्राई नहीं होंगे क्योंकि बालों पर अगर हीट पड़ती है तो बाल ड्राई होने लगते हैं उसके बाद फ्रिजी होने लगते हैं तो ये उससे प्रिवेंट करेगा प्लस इसमें ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन है तो ओवर हीट होने के भी चांसेस नहीं है ठीक है एंड ये जो हेयर ड्रायर है इसमें 1600 हंड्रेड वॉट है एंड इसमें ब्रशलेस मोटर है जैसा कि मैंने आपको साउंड सुनाया बहुत ज्यादा आवाज़ नहीं होती है इसमें एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ये हेयर ड्रायर इसको कहीं पर भी यू you नो know, ऐसे रख के ट्रेवल करना हो या बैग में रखना हो तो ले जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो वैसे हेयर ड्रायर होते हैं आपने देखा होगा काफी भी होते हैं बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है एंड देखा फटोफट फड़ से मेरे बालों को इसने ड्राई कर दिया प्लस इसमें जो मैंने बोला था कि कूल शॉट है तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि अगर आपको हीट नहीं यूज़ करनी है बट आपको अपने बालों को जल्दी से ड्राई करना है तो आप कूल शॉट बटन भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा जी तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये हेयर ड्रायर बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका कलर इसका लुक इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है छोटा सा है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है आवाज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है एंड परफॉर्मेंस तो मैं क्या ही बोलूँ तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूं मैं आप सबने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर